Artists are born, not made. And today we are going to talk about a beautiful artist. In the age of technology, when t-shirts are being printed by digital mediums, Mantosh Dehri is doing this art by his hand. Let's discover the handmade t-shirt paintings made by Mantosh Dehri. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. आज मेरे साथ ह्यूमंस ऑफ झारखंड में मंतोष कुमार देहरी. मंतोष कुमार देहरी हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये टी शर्ट पेंटिंग करते हैं. आज के ज़माने में जब टी शर्ट पेंटिंग प्रिंटिंग हाउस में होता है, मंतोष देहरी हाथ से ही प्रिंटिंग करते हैं और पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी टी शर्ट पेंट करके इन्होंने बनाया है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारे टी शर्ट उनके हाथ से बनाया हुआ है. ये कम्प्लीटली हैंडमेड है. ये इंस्पिरेशन भैया के थ्रू मिला. भैया भी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं. तो भैया कॉपी में अच्छे से लिखते थे, सबके नाम से अपना भी नाम लिखते थे, चाहे और भी फ्रेंड्स लोग का अच्छा कैलीग्राफी में लिखते थे. तो मेरा ध्यान गया उस पर, तो हम भी मतलब मजाक में हम भी ट्राई करने लगे. तो वो बहुत अच्छा होते गया, अच्छा होते गया. तो फिर आगे जाके क्या हुआ कि फ्रेंड्स लोग को भी अच्छा लगने लगा, तो फ्रेंड्स लोग भी अपना नाम सब लिखवाने लगा, मेरे से कैलीग्राफी कराने लगा, कराते थे. जब कैलीग्राफी करते थे, करते करते फिर कभी क्या हुआ, एक बार क्लासरूम में बैठे हुए थे, तो बैठे हुए थे, कुछ मन नहीं कर रहा था, तो पैंट पे लिखना स्टार्ट किया. लिखते लिखते वो प्रिंट टाइप का लगने लगा, वो बॉल पेन से था पर प्रिंट टाइप का लगने लगा. तो दोस्तों को बहुत अच्छा लगा और लग रहा था कि प्रिंट किया हुआ है. तो फिर उसी से फिर उसको क्या हुआ, फिर पैंट गंदा हो गया, धोए तो वो सारा निकल गया. तो फिर हमको आइडिया आया, नहीं कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा कि परमानेंट उस पर आएगा. तो फिर सर्च उच किए नेट पर, पता किए, तो फिर पता चला नहीं, ऐसा कुछ कलर आता है जो धुलने पे भी नहीं जाता है. मंतोष देहरी ने बताया कि कैलीग्राफी से उन्होंने स्टार्टिंग किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जागते गया. तो अभी हम लोग पूछते हैं मंतोष से कि क्या वो कैलीग्राफी के थ्रू कैसे आगे बढ़े और पेंटिंग्स और टी शर्ट में उनका आइडिया कहाँ आया और पहली बार उन्होंने कब ये टी शर्ट फर्स्ट बार जो किए वो था, ये फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था. दोस्त लोगों के पास जर्सी था पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, नंबर या नाम लिखा हुआ नहीं था. तब सोचे अरे ये आइडिया तो हमको मतलब हम कर सकते हैं, मतलब कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा, बस कलर का जो कॉस्ट लगेगा वो भी 20 रुपीज़ है, तो बहुत लो है, हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइम वही था कि अपना नाम और नंबर लिखे थे अपने जर्सी पे, फर्स्ट टाइम वही था. मैंने बहुत तरह के आर्टिस्ट से बात की, उनसे मिला, उनके आर्ट को जाना. सब के अंदर कुछ ना कुछ एक हुनर होता है और कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ते हैं. आपने इसे ही क्यों चुना, टी शर्ट पेंटिंग को ही क्यों चुना? टी शर्ट पेंटिंग क्योंकि हम हर बार चाहे कि मतलब कुछ प्रमोट करने के लिए, अपना फीलिंग या किसी को गुस्सा दिखाना चाहे कुछ भी, तो एक प्रिंट के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं. हमको बाइक राइडिंग पे पसंद आता है बाइक, तो इसलिए हम बाइक प्रिंट किए. फुटबॉलर थे हम, इसलिए वो प्रिंट किए. बाइक पसंद आता है इसलिए हम बाइक का ज़्यादा प्रिंट किए. तो यही है, अब एक आर्टिस्ट है जो अपने बारे में बताना चाहता है समाज को कि वो क्या करता है, कैसे करता है. तो कोई कहानियाँ लिख के बताता है, कोई पोएट्री करके बताता है, और मंतोष ने उसे टी शर्ट में पेंटिंग करके बताने का जरिया चुना. हम लोग देखेंगे अभी जो अधूरा पेंटिंग है उसको मंतोष जी पूरा करेंगे हमारे सामने, और उन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी है. तो जो जो चीज़ इन्हें करने में मेहनत लगता है वो हमें करके ये दिखाएंगे. लेकिन यहाँ पे हमने जितने भी टी शर्ट देखे हैं मंतोष ने बनाया है, सब में ये ध्यान रखा गया है कि जो कलर कम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया है, और इसी कलर कम्बिनेशन के वजह से एक आर्टिस्ट को पहचाना जाता है. एक आर्टिस्ट परख लेता है कि कौन से कलर में किस तरह का डिज़ाइन आगे चलेगा. आप एज ए प्रोफेशनल क्या हैं, क्या प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या पढ़ाई की और क्या आगे किया? ऐसे 12th तक को पता नहीं था, ठीक है, कि क्या करना है आगे. पढ़ाई करते जा रहे पता नहीं था. एक फ्रेंड है, जेवियर का एक फ्रेंड है शांतानु करके, तो उससे पता चला कि निफ्ट पे गया है पेंटिंग के थ्रू. अच्छा.
तो उसे पूछे तो बताया कि अरे यार तू तो सही है, तू इतना अच्छा करता है, तू भी इसका फॉर्म भर ऐसे करे निकल जाएगा तुम्हारा भी। तो बोले ठीक है। तो हम प्रिपेयर, नाच में भी प्रिपरेशन होता है 6 मंथ का। अच्छा ठीक है। तो हम 3 या 4 मंथ हो गया था हमको, तब पता चला फॉर्म भरने के बाद। तो हम गए वहाँ पर, पूछे कि मैं एडमिशन को, बोलता नहीं अभी नहीं नेक्स्ट ईयर। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब हमको गाइड, हल्का सा गाइडिंग चाहिए, 2 महीना में हम पूरा कवर अप कर लेंगे। तो ठीक है करा देते, फी उतने लगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, फी दिए पूरा, हमको गाइड हो गया पूरा क्या करना क्या नहीं, एडमिशन हुआ मेरा वहाँ। और मेरा जो ब्रांच था इसलिए हम नीटवेयर डिजाइनिंग ही लिए क्योंकि इसमें टी शर्ट प्रिंट। नीटवेयर? हाँ नीटवेयर। नीटवेयर क्या मतलब होता है? ये नीटेड गारमेंट्स होता है, जैसे टी शर्ट हुआ, लॉन्जरीज हुआ, जितना होता है सब नीटेड होता है। ठीक है। तो वो उसी डिपार्टमेंट का टी शर्ट में, टी शर्ट वो ये स्ट्रेचेबल रहेगा, वोवेन कपड़ा जो शर्ट उठाता है तो वो स्ट्रेच नहीं करता, नहीं करता। अंडरगारमेंट्स जितना आते हैं। नीटवेयर डिजाइनिंग में आपने कोर्स किया, कितना दिन का कोर्स था वो? 4 साल। बात कर रहे थे मंतोष देहरी से, उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में। उन्होंने नीटवेयर डिजाइनिंग किया है निफ्ट से। निफ्ट से कौन से जगह से किया आपने? चेन्नई। निफ्ट चेन्नई से किया है। और उसके बाद फिर जो इनका हॉबी था टी शर्ट पेंटिंग का और क्रिएटिविटी का, उसी के थ्रू ये निफ्ट में एडमिशन लिया। उन्होंने 4 साल का कोर्स किया और उसके बाद प्रोफेशनली किसी कंपनी में काम किया उन्होंने, जो NIFT में जो कोर्स किया 4 साल का, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। NIFT में वही एडमिशन करा सकता है जिसको हल्का डिजाइनिंग का नॉलेज है, पेंटिंग उंटिंग से इंटरेस्ट, मतलब जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है वही उसमें करा सकता है। इसमें डिजाइनिंग का भी, जैसे इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसी तरह इसमें भी ब्रांच है। फैशन डिजाइनिंग है वो वोवन कपड़ा पे होता है, ये नीटवेयर डिजाइनिंग है, लेदर डिजाइनिंग आता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग आता है सारा। हम इसलिए ये लिए क्योंकि इसमें टी शर्ट प्रिंट था, टी शर्ट से हमको बहुत प्यार है, प्रिंट्स और टी शर्ट से बहुत प्यार है, इसलिए हम ये ब्रांच लिए। आपने बताया कि आपने कैलीग्राफी से धीरे धीरे पेंटिंग्स में आया, नेट पर सर्च किया, तो अभी तक आप कितने टी शर्ट बना चुके हैं? 50+ तो श्योर। 50+? हाँ। और कितने गिफ्ट कर चुके हैं अपने फ्रेंड्स को? ये भी ज़्यादा नहीं किए, 20-25 ऐसा होगा। तो 20-25 टी शर्ट इसी तरह से गिफ्ट कर दिया है मंतोष ने। और आप देख पाएंगे कि टी शर्ट में काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी इन्होंने, और पूरे परफेक्शन के साथ बनाया है, जो भी पेंटिंग बनाया है परफेक्शन के साथ बनाया है। तो मंतोष आप ये बताएं कि आपको ये एक टी शर्ट बनाने में कितना टाइम लगा? वो तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे भी, पर मिनिमम थ्री डेज लग जाता है। तो ये जो टी शर्ट का क्वालिटी है, ये मतलब किस तरह का होता है कि ये टी शर्ट कितना धुलाई के बाद भी ये जाएगा नहीं पेंटिंग? टी शर्ट का कलर चल जाएगा पर पेंटिंग नहीं जाएगा। नहीं मतलब ये इस तरह का पेंट यूज किया गया है कि टी शर्ट कलर जाने के बाद पेंटिंग नहीं जाएगा, फैब्रिक पेंट है ये हमेशा रहेगा आपके पास चाहे कितना भी धुलाई करें। ठीक है। बस आयरन नहीं लगना चाहिए। आयरन नहीं लगना चाहिए। सूखने में कितना टाइम लगता है आपको इस टी शर्ट में? पेंटिंग करने के बाद इसको आप धो सकते हैं 24 से 30 आवर्स के बाद ही। 4 hours से 30 hours में आप इसको धो सकते हैं उसके पहले पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद। हाँ पेंटिंग कंप्लीट होने। तो हम बात कर रहे थे मंतोष कुमार डेहरी से, जो काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है, टी शर्ट में पेंटिंग करते हैं और अपनी पेंटिंग की वजह से लगभग 50-60 टी शर्ट ऐसे बनाए हैं जो अपने आप में एक विचित्र पिक्चर बयान करती है और सब टी शर्ट में एक अलग अलग स्टोरी बयान करती है। तो इनकी ये खूबी है मंतोष कुमार डेहरी की, इन्होंने NIFT से नीटवेयर डिज़ाइन का कोर्स भी किया है, 4 साल का कोर्स करने के बाद अपने हॉबी को इन्होंने एक पैशन बनाया है और अपने पैशन को ये जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स।